He is not there. Nishikanth is not there. Ramashankar. Speaker. Yes. Ramashankar. Ramashankar ji. Okay. Sabhapati Mahoday. स्वाभिमान के लिए महाराणा प्रताप ने जंगल की रोटी खाई थी, ठीक उसी तरह से इतिहासों में जाने जाने वाली एक राजभर जाति है जो विदेशी आक्रमणकारियों से तबाह होकर पूर्वांचल में बसी है। 22 तारीख को हमारे संसदीय क्षेत्र के सीयर तहसील के उभाव थाना अंतर्गत एक गांव है, उस्मानपुर अवाएं, गाजीपुर जनपद के कमवा गांव में सती माई का स्थान है। ऐसा अंधविश्वास है कि वहां जो आदमी जाएगा सांप काटने से वो ठीक हो जाएगा। 8 बजे सुबह राजभर जात के लोग टाली पर सवार होकर चलते हैं। अभी 7-10 किलोमीटर गए रहे हैं तब तक टाली उलट जाती है और सभापति महोदया 42 लोग जी। It is already 6 o'clock. If all of you wish, we will complete this 0 hour. Thank you. Mahodaya. Ji. Tali par 60 log chalte hain. Tali ulad jati hai aur Mahodaya, main mauke par tha. 6 mahine ke, 1 saal ke, 3 saal ke, 11 bacche aur 13 bachiyan, 18 mahilaen, 42 to on spot mar gayi. Aur 1 ghanta 20 मिनट भी नहीं लगा, जहाँ टाली उल्टी थी उसके नीचे पानी था, उसी पानी से ऊपर उठ नहीं पा रहे थे लोग और उसी में डूब के मर गए। 18 लोग घायल हैं। हम लोग मौके पर पहुँचे, उत्तर प्रदेश की सरकार बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत ही घायलों को, जो मृतक परिवार के लोग थे उनको 1-1 लाख रुपया, जो घायल हैं उनको 50,000 रुपया और जो कम घायल हैं उनको 25,000 रुपया दिया। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि यह राजभर जाति, और आपको जानकर ताजुब होगा कि वो संपूर्ण 42 लोग कुल मरे जिसमें 38 राजभर जाति के थे, 38 राजभर जाति के थे। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो जात कभी राजा रही और जो जात विदेशी आक्रमणकारियों से लड़कर आज नदी नालों के किनारे जादू टोना पर विश्वास करती है, मैं तो कहूँगा सभापति महोदय कि आज उसके अस्तित्व पर खतरा हो गया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उनको यह लगे कि देश मेरे साथ है, इसके लिए मृतकों को 5 लाख रुपया, ज्यादा घायलों को 2 लाख रुपया और कम घायलों को 1-1 लाख रुपया भारत सरकार दे, ताकि उनको यह विश्वास हो कि देश मेरे साथ खड़ा है। धन्यवाद। श्री निशिकांत दुबे।